बहुत जल्दी पूरी पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज होगा, पूरे भारत पर। अगर हम नम्र हो जाएं, विश्वास हो जाएं और एक हो जाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज ये एक चमत्कार है जो इतने आराधक एक साथ बैठे हैं, प्रभु के दास लोग सब यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। ये एक मिरेकल है, क्योंकि हम सब लोग अपनी अपनी मीटिंग्स में अपने अपने स्थानों पर बिजी होते हैं, कोई कहीं है, कोई इनको एक साथ इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती है। वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एट वन स्टेज, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। लेकिन ये हुआ, प्रार्थनाओं से हुआ और ये अभी शुरुआत है। अभी परमेश्वर सारे दासों को, सारे आराधकों को एक छत के नीचे लाएगा और अपनी महिमा देगा। मेरी बात आप लोग याद रखिए, जब आप एक होंगे, कभी कभी क्या होता है कि अरे उसको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, आप पहुंच जाओ वहां पर। मैं कई ऐसी सभाओं में चला जाता हूं जहां मुझे निमंत्रण नहीं मिलता और मैं जाके बैठ जाता हूं। जब जब आपको मौका मिले, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जेलसी। हमारा यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि सब प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव बातों को, जेलसी को निकाल दे। और साधु सुंदर सिंह जी का मुझे वो स्टेटमेंट याद आता है जब वो कहते हैं कि हमें रीति रिवाज, संस्कार, ट्रेडिशंस, कल्चर नहीं चाहिए, हमें संस्थाएं नहीं चाहिए, हमें जीवित मसीह चाहिए। तो जब मसीह जीवित की आप प्रार्थना करेंगे, जो जीवित मसीह है उसकी आप प्रार्थना करेंगे, तो आप एक हो जाएंगे। और पिछले 22 सालों से परमेश्वर ने मुझे इसमें सफल किया है, ना केवल हिंदुस्तान के अंदर लेकिन 100 से अधिक देशों में पास्टर्स, लीडर्स, वर्शिप लीडर्स को एक मंच पर लाने के लिए प्रभु ने मुझे यह सौभाग्य दिया। चाहे वो अफ्रीका हो, US हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, फिजी हो, टर्की हो, स्पेन हो, स्कॉटलैंड हो, नीदरलैंड हो, वहां के पास्टर्स को एक छत में लाने के लिए प्रभु ने मुझे ये मन दिया। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा है। अगली बार पूरे भारत से पास्टर्स लीडर्स होंगे, पूरे भारत से हम पास्टर्स लीडर्स को, आराधकों को लेकर आएंगे और एक ऐसी सभा होगी जो 4 घंटे की नहीं होगी, जो 3 दिन तक चलती रहेगी। 3 दिन तक परमेश्वर के लोग आराधना करते रहेंगे, एक के बाद एक परमेश्वर के दास आएंगे। बड़ा आमीन, बड़ा आमीन इसके लिए। और सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिलेगा। आज भी कोई मुख्य प्रचारक नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं मुख्य प्रचारक, परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह के बर्थडे को मना रहे हैं, कोई मुख्य प्रचारक हो सकता है? जिन्होंने इतनी नम्रता का जीवन जिया, इतना शुद्ध पवित्र जीवन जिया, मैं कहता हूं आज दरअसल वही मुख्य प्रचारक है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो आपसे बात कर रहे हैं। मैं वचन के साथ साथ अपने कुछ अनुभव आपके साथ बांटता चलता हूं। एक वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, सारे वचन परमेश्वर के अच्छे हैं, लेकिन एक वचन जिस पर मेरी निगाह टिकी जब मैं फ्लाइट में यात्रा कर रहा था और मैं कॉफी पी रहा था और मेरी बाइबल पास में रखी थी, और अचानक मानो ये वचन मेरे लिए बाइबल से निकल कर सामने सार्थक हो गया, जिससे हवा में बड़े बड़े अक्षरों में लिख गया। ये पिछले 2 साल पुरानी बात है। और तब मैंने इस वचन पर और मनन चिंतन करना शुरू किया, और वो मिलेगा आपको भजन संहिता 53:2 पर, बुक ऑफ साम चैप्टर 53:2। निकालिए, देखिए अपनी बाइबल में उसे अंडरलाइन कर लीजिए अगर कर सकते हैं आप। तो भजन संहिता उसका 53 अध्याय और उसका 2 पद पढ़े जरा इसको, बड़ा सुंदर सामर्थ्य वचन है। बुक ऑफ साम चैप्टर 53:2 पढ़ें। मैं आपको 1, 2, 3 बोलूंगा, आप पढ़ेंगे, ठीक है? 1, 2, and 3। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर को मिल जाए, द लॉर्ड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन इन ऑर्डर टू सीक वन वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति। आज बुद्धिमान किसको कहेंगे बताइए? आज बुद्धिमान उसको कहते हैं जिसके पास एक बड़ी डिग्री हो, जिसने PhD की हो, जो डॉक्टरेट हो, मेडिकल ऑफिसर हो, साइंटिस्ट हो, स्कॉलर हो, थिंकर हो, चांद पर गया हो। प्रभु में मेरे मित्र हैं चार्ली ड्यूक, जो स्पेस चांद पर जाकर आए। चार्ली ड्यूक के बारे में आपने सुना हो,
ही इज एरोनॉटिक इंजीनियर साइंटिस्ट स्पेस साइंस. वो चांद पर गए, जब वो वापस आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया. उन्होंने कहा चांद पर जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत तैयारी लगती है. एक व्यक्ति को लगभग 25 साल तक शिक्षा देनी पड़ती है उसको चांद पर जाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग होती है. चार्ली ड्यूक. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कितना सिखाना पड़ता है कि वो चांद पर जाए, 25 साल की ट्रेनिंग लगेगी. कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कितने मेडिकल चेकअप होंगे, कितने उसको प्रोसेस से निकलना पड़ेगा. इट्स नॉट ईजी. मिलिट्री से भी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग, मिलिट्री से भी ज्यादा कठिन. उन्होंने कहा कि उस चांद पर जाना बहुत कठिन है, लेकिन चांद को जिसने बनाया है उसके साथ चलना बहुत आसान है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच ऑन द मून, वेरी डिफिकल्ट. लेकिन जिसने चांद को बनाया है उसका नाम यीशु मसीह है, उसके साथ एक बच्चा भी चल सकता है. हालेलुया. इट्स सो इजी. इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं लेनी, किसी बड़े बाइबल कॉलेज में जाकर 6-7 पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपने घुटने टिकाए और पश्चाताप किया और आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो गया और आप उसके बेटे बेटियां. इट्स वेरी. और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने 2005 में 22 अक्टूबर को मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया. मैं भी एक इंजीनियर हूं कंप्यूटर साइंस में, आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिवीजन, तोशिबा, आईसीआईसीआई, बड़ी कंपनियों के लिए मैंने काम किया. टेक बुक इंग्लैंड के लिए मुझे ऑफर था. जब मैं जवान था तो बड़ी इच्छा थी कि मैं इंग्लैंड जाऊं और अमेरिका जाऊं और खूब पैसा कमाऊं और खूब बढ़िया घर खरीदूं, बढ़िया गाड़ी खरीदूं. और उसके लिए मैंने बहुत तैयारियां भी की, बहुत किताबें पढ़ी. इंजीनियरिंग आसान नहीं है, आपको पता है, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं. कम से कम जहाँ तक मुझे याद है 75 डिफरेंट स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़े. उसके बाद RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में मैं जो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है उसको मैंने कंप्लीट किया और भारत का फर्स्ट EDI इंजीनियर बना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. जब ये ई बैंकिंग भारत में था नहीं, ये जो आप पेटीएम और जीपे करते हैं ना, ये था नहीं, ये हमारे द्वारा ही डेवलप किया हुआ है 22 साल पहले, जो आज एग्जीक्यूट हो रहा है. उस समय ओरेकल 9i सॉफ्टवेयर चलता था. ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, इतना सीखने के बाद आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ा रहा हूं. बताओ मैं बुद्धिमान हूं या मूर्ख हूं? दैट्स व्हाट द गॉड ऑफ द बाइबल सेज. बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि एक व्यक्ति उसको चाहिए, एक जो बुद्धिमान हो, जो उसे ढूंढ रहा हो और उसके द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा. एक व्यक्ति जो नम्र हो, जो प्रेम करता हो. बुद्धिमान का मतलब डिग्रियां नहीं है. आज हम जिसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, साधु सुंदर सिंह जी, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था, लेकिन उनसे बढ़कर जो उनके पास में सर्टिफिकेट था, जो योग्यता थी, वो ये थे कि वो नम्र व्यक्ति थे. परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र व्यक्ति अधिकारी होगा. जब आप अपने आप को नम्र कर देंगे, खाली कर देंगे मसीह के लिए, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित कर देगा, आपके पद को बढ़ा देगा. सबसे पहले जो मसीह विश्वास का, जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं आपके हृदय में पश्चाताप आ जाता है, आप उस प्रभु को जान जाते हैं. द फर्स्ट थिंग यू विल एक्सपीरियंस द हम्बलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की नम्रता को, क्योंकि वचन में लिखा है उसने कहा मैं मन में नम्र हूं, मुझसे सीखो. दो चीजें प्रभु ने आपको सिखाई. उसने कहा मैं पवित्र हूं और मैं नम्र हूं. अगर परमेश्वर के लोग पवित्र हृदय रखें और नम्र बन जाएं, परमेश्वर उनको भीड़ से निकालकर उनके नाम को ऊंचा करेगा और अपनी कसरत से सेवा देगा. वचन के साथ साथ अपने कुछ अनुभव आपके साथ बांटना. आज हम साधु सुंदर सिंह जी का 135 जन्मदिन मना रहे. क्यों? वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कोई राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे. वो क्रूस के सच्चे सेवक थे. उन्होंने क्रूस की सेवा की. ही सर्व क्रॉस. आपको मालूम है क्रूस का जो इतिहास है वो बहुत भयानक है. क्रूस जो है वो मृत्यु का चिन्ह था, साइन ऑफ डेथ, जिस पर एक अपराधी को लटकाकर मार दिया जाता था. उसे बड़ी वेदना होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी. क्रूस की मृत्यु आसान नहीं होती.
हमारे थोड़ा सा हाथ पैर ही कट जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्रूस की मृत्यु से पहले उस व्यक्ति को कोड़े मारे जाते हैं, उसकी खाल जो है वो निकाल दी जाती और फिर उसको जिंदा क्रूस पर टांग दिया जाता कीलों के द्वारा। सुनिए ध्यान से, इतनी वेदना सही प्रभु ने उस क्रूस के ऊपर। क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ, क्रूस जो था वो मृत्यु का चिन्ह था। लोग उससे छिपते थे, बचते थे, कोई क्रूस के बारे में बात नहीं करता था, लोग क्रूस को देख के भाग जाते थे। जब क्रूस को अंधेरे से निकाला जाता होगा और उस व्यक्ति को दिया जाता होगा जिसकी क्रूस पर मृत्यु होनी है, वो तो उसका तो हृदय फट जाता होगा देखकर, इतनी भयानक। हजारों लाखों लोगों को इस क्रूस ने निगल लिया, हजारों लाखों लोगों को। रोमन एम्पायर में, किंगडम ऑफ रोम में क्रूस किसी को मृत्यु दंड देने का एक तरीका था, जैसे आप जेल में डाल देते हैं उस समय रोमन्स में। और एक दिन ये क्रूस जो है, दिस क्रॉस हैज बीन ब्रॉट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये क्रूस प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। आपको याद है कोड़ी यीशु मसीह के पास में आया था, उसने यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाया, उसने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उस कोड़ी को शुद्ध कर दिया। कोड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि कोई कोड़ी व्यक्ति को छुएगा तो उसको कोड़ हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए उनकी बस्तियां भी दूर होती थी, उनका इलाज भी बहुत मुश्किल था। कोड़ी को कोई छुएगा तो उसे कोड़ हो जाएगा, लेकिन लिखा है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर कोड़ी को छुआ। जो मनुष्य सोचता है, जो मनुष्य ने परंपराएं बनाई है, जो सिद्धांत बनाए, जो गलत फहमियां बनाई है, उसको प्रभु ने दूर किया। उसने हाथ बढ़ाकर जानबूझ, वो चाहता तो बोलकर चंगा कर देता जैसे उसने लाजर को किया, लेकिन हाथ बढ़ाकर उसने कोड़ी को छुआ और चंगा हो गया था। तो कोड़ी को छूने से यीशु कोड़ी नहीं हो गया, ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन कोड़ी यीशु मसीह के समान पवित्र हो गया छूने से, बस छू देने से। हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे, सर हो सकता है क्या ये? मैंने तो एक बार अमेरिका में, मेरे एक फ्रेंड है, इसे डायरेक्टर ऑफ ए मेडिकल कॉलेज, वेरी सीनियर सर्जन, मैंने कहा सर ये हो सकता है कि कोड़ी को छूने से कोई चंगा हो जाए? अब इतने बड़े डॉक्टर और इतना छोटा सा सवाल, इतना लंबा एक्सपीरियंस 40-50 साल, व्हाइट हाउस में भी डॉक्टर रह चुके हैं वो, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये मनुष्य नहीं कर सकता, जैसा यीशु ने कहा था कि मनुष्य से संभव नहीं है लेकिन परमेश्वर से संभव है। उन्होंने वचन कोट कर दिया, ये मनुष्य से नहीं हो सकता, ये परमेश्वर से हो सकता है। तो हम क्रूस की बात कर रहे थे ना, तो ये भयानक क्रूस मृत्यु का चिन्ह जो है वो यीशु मसीह को दिया गया। और आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ नहीं, उसे गले लगा लिया। छूना तो बहुत छोटी सी बात हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को गले लगा लिया और आप जानते हैं क्या हो गया? मृत्यु का चिन्ह जीवन का चिन्ह हो गया। जो मृत्यु का चिन्ह था वो आज जीवन का चिन्ह है, जो पीड़ा का चिन्ह था, तकलीफ का चिन्ह था, वो आराम का, कंफर्ट का चिन्ह है। जो घृणा का चिन्ह था, आज उसके सामने, जिससे लोग डरते थे, आज उस क्रूस के सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े दार्शनिक, पॉलिटिशियंस, ना केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में उस क्रूस के आगे घुटने टेक देते हैं। मैं भी सीधे यूएस से ही आ रहा हूं, अभी मैं 20 दिन अमेरिका में था, वहां मैं, मेरे फ्रेंड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके साथ था, हम लोग चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा कि पास्टर व्हाई डोंट यू प्रे फॉर मी? मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके लिए प्रे करूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन यूएस, और उन्होंने अपने घुटने टिकाए, घुटने टिकाए और घुटने टिकाकर प्रभु से प्रार्थना करवाई। बड़े बड़े ज्ञानी, दार्शनिक, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग, बड़े बड़े योग्य लोग उस क्रूस के आगे घुटने टेक देते हैं, जो एक समय में मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था। आप कल्पना करें कि यीशु मसीह तो क्रूस पर थोड़ी देर के लिए था,
अगर वो यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ जाए तो आपका क्या होगा, आप क्या बन जाओगे, आप क्या हो जाओगे। कल्पना करके देखो अगर वास्तव में वो प्रभु आपके अंदर आ जाए तो। और यही किया साधु सुंदर सिंह जी ने, उन्होंने अपना जीवन जो है उस क्रूस को दे दिया और जीवन भर विश्वास योग्य रहे और उस क्रूस के वचन को, संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। इसलिए आज 135 साल बाद परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए, उन्होंने कहा कि जो कोई मेरी बातों पर चलेगा वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन देखिए हम कितना बड़ा सेलिब्रेशन, आज भारत में भारतीय मसीह समाज की ओर से 40 कार्यक्रम हो रहे हैं, 40 कार्यक्रम हो रहे हैं इसी समय जब आप यहां बैठे हैं, 40 प्लेसेस पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय मसीह समाज ने ऑर्गेनाइज किया साधु सुंदर सिंह जी के लिए। और आपको एक बात और बता दूं, हमारी जो पड़ोसी कंट्री है ना, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, वहां भी ये सेलिब्रेशन चल रहा है, पाकिस्तान में लोग मना। प्रेम जो है ना, प्रेम परमेश्वर का प्रेम, जैसे पक्षी उड़ जाता है ना आसमान में, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, प्रेम की कोई सीमा नहीं। देखो दूर देश के लोग भारत से निकले हुए मसीह संत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। मैं दुनिया में कहीं भी गया हूं, 100 से अधिक देशों में मैंने यात्रा की, सुनिए ध्यान से, पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका, कैनेडा, जापान, कोरिया, जहां भी मैं गया हूं, एक बात मुझे कॉमन, सब देशों में एक बात कॉमन मिली, वहां के लोग हमारे पास, मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि हम एक चीज आपके भारत के बारे में जानते हैं, वो है साधु सुंदर सिंह। हमने उनके बारे में पढ़ा, हमें किसी ने उनके बारे में बताया था, कहीं ना कहीं विश्व के तमाम मसीह, वो तो वो लोग थे जिनसे मैं मिला, जिनसे नहीं मिला उनकी संख्या और अधिक हो सकती है। एक व्यक्ति को आज पूरा विश्व जान रहा है, समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा लेकिन मुख्य मुख्य बात बताऊंगा। इंग्लैंड की महारानी ने, क्वीन विक्टोरिया ने साधु सुंदर सिंह जी को बुलाया, बड़ा सम्मान किया उनका, सच्ची घटना है, और उनसे कहा कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना कीजिए। साधु सुंदर सिंह जी ने क्वीन विक्टोरिया के लिए प्रेयर की, उसको ब्लेस किया। आप जानते हैं चलते वक्त साधु सुंदर सिंह जी ने उसको ब्लेस किया, उसमें एक वचन, एक विशेषता उनको बताई, उन्होंने कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगी, ये सारे देश की नोटों के ऊपर आपका फोटो होगा, न्यूजीलैंड क्वीन विक्टोरिया का फोटो, कनाडा क्वीन विक्टोरिया का फोटो, यूरोप में कई छोटे देश क्वीन विक्टोरिया का फोटो। अ ब्लेसिंग ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। लेकिन इससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर जो पास्टर सलीम खान जी ने बात बताई, वो यही मैं आपसे कहना चाहता था, वही तो बात है। आगे क्या, उस लेगेसी को आगे कौन ले जाएगा? एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, वन वाइज मैन। आप जानते हैं अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु के आगे खड़ा हो जाए, नम्र हो जाए, अपने आप को दीन कर दे, शून्य कर दे, प्रभु उसके ऊपर अपनी सारी योजनाओं को प्रकट कर देगा, सब योजनाओं, सब भेद की बातें बता देगा। एक अगर आप विश्वास हो, वो आपको स्वर्ग और पृथ्वी के सारे भेद दे देगा। उसने नोवा से कहा था कि एक जहाज बनाओ, आपको याद है उत्पत्ति 6 अध्याय में उसने नोवा से कहा एक जहाज बनाओ और उस जहाज में ऐसे ऐसे उसका उपयोग होगा, ये बात होगी, संसार को मैं अंत कर दिया। गॉड रिवील्ड हिज प्लान ओवर, ध्यान से सुनिए, वचन कहता है कि उसने इसराइलियों के ऊपर तो अपनी महिमा को प्रकट कर दिया, लेकिन मूसा के ऊपर अपनी गति को, अपने प्लान्स को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर चाह क्या रहा है। आज एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जिसके साथ परमेश्वर बात करे और अपने प्लान्स रिवील करे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। उसे नूह की आवश्यकता थी,
ताकि जल प्रलय के द्वारा सृष्टि को नाश करे। आज उसे एक साधु सुंदर सिंह की आवश्यकता है जिसके द्वारा पूरी सृष्टि को बचा ले। उस समय योजना फर्क थी, आज बचाने की योजना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो प्रभु के सामने नम्रता और दीनता के साथ खड़ा हो जाए और कहे कि प्रभु मैं इस काम में आपके साथ हूं। लेकिन क्वालिफिकेशन जानते हैं वो बड़ी है, कीमत बड़ी है। टू वर्क विद गॉड, परमेश्वर के साथ काम करने के लिए, याद रखिएगा मेरी बात, परमेश्वर ने हमें उसके लिए काम करने के लिए नहीं बुलाया। गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस टू वर्क फॉर हिम। परमेश्वर ने हमें उसके लिए काम करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें उसके साथ काम करने के लिए बुलाया। और जो साथ काम करने की क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत टफ है। आपको नम्र बनना पड़ेगा, आपको विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। अगर आप नम्र हो जाए और विश्वास योग्य हो जाए, परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट कर देगा, अपने भेद को, अपने रहस्य आपके ऊपर, वो क्या चाहता है। मेरे कई स्टाफ हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, कई एसोसिएट्स हैं, वर्कर हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं अपने सारे प्लान्स, सीक्रेट्स उनके संग शेयर कर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सीक्रेट मैं उनको जो बता रहा हूं वो उसको समझेंगे कि मेरी प्लानिंग क्या, मैं चाह क्या रहा हूं। दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं अपने प्लान्स को शेयर करता हूं, बाकी लोगों के साथ प्लान्स नहीं शेयर करता। परमेश्वर को एक ऐसा जन चाहिए, विश्वास नम्र व्यक्ति जिसके साथ अपने प्लान को, और देखिए उसने अपनी योजनाओं को साधु सुंदर सिंह जी के ऊपर प्रकट किया। आप जानते हैं बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कहता हूं हमें साधु सुंदर सिंह जी के जीवन को पढ़ना चाहिए। एक बार साधु सुंदर सिंह जी एक तालाब में स्नान कर रहे थे, झरना था, वो देखा कि पानी बड़ा मीठा है, यहाँ का बहुत अच्छा ठंडा मीठा पानी है, तो उन्होंने कहा चलो भाई इसको घड़े में भर ले। उन्होंने घड़े में पानी भर लिया और घड़े में कंधे पर रखकर वो चलने लगे। अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें बोझ, थकान होती है ना, रखा होगा घड़ा आपके ऊपर 5 लीटर का, थकान होगी, तो उन्होंने नीचे रखे, थोड़ा आराम पाया। फिर उनको लगा चलो, फिर तो 2-3 बार ऐसा किया तो परमेश्वर ने, आत्मा ने उनसे पूछा कि सुंदर सिंह तुम ये क्या कर रहे हो। कह रहे प्रभु मैं थक जाता हूं। कह रहे अभी तो तुम जल में स्नान कर रहे थे, जब हम गोता मारते हैं तो कितना पानी हमारे पीठ पर होता है, टनों पानी हमारे ऊपर होता है जब आप गोता मारते हो जल के अंदर, कम से कम 50 लीटर पानी आपके ऊपर होता है, लेकिन यहां 5 लीटर पानी तुम्हारे कंधे पर है, तुम बार बार थक जाते हो। तो प्रभु ने उनके ऊपर प्रकट किया कि जब मनुष्य पाप में तैरता है, when you swim in the sin, you will never understand the weight of sin, आपको पाप का बोझ उसका भार नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो बोझ, पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह नामक एक घड़े के अंदर इकट्ठा कर दिया जाए, आप अपना ही बोझ नहीं उठा पाएंगे, अपने ही पाप का बोझ नहीं उठा पाएंगे। अद्भुत। एंड ही प्रीच्ड ऑन दैट। मैं धन्यवाद करता हूं साधु सुंदर सिंह जी की सेवा से। भक्त सिंह छावड़ा जी सेवा में आए, मिनिस्ट्री में आए, आपको मालूम है कितने लोग जानते हैं भक्त सिंह जी को, उनके शिष्य थे, उनके साथ उन्होंने आत्मिक जीवन उसको समझा, उनकी सेवा की। भक्त सिंह जी हैदराबाद में उनकी कई कलीसियाएं हैं, भारत में उन्हें लोग बहुत मानते हैं, देश के बाहर भी उनके भाई बहुत लोग उनको प्यार करते हैं, उनकी शिक्षाओं से आशीषित है। भक्त सिंह असेंबलीज, और भक्त सिंह के द्वारा धर्म प्रकाश शर्मा जी जो पुष्कर राजस्थान ब्रह्मा मंदिर आपने सुना होगा, पूरे भारत में जो एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का वो पुष्कर में, उसके प्रधान पुरोहित पंडित सोहल लाल शर्मा जी के इकलौते पुत्र पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी जो प्रभु के विरोधी थे, उन्होंने 70 बाइबलें जलाई, 70 बाइबल। राज्यसभा सांसद थे, इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, और वो प्रभु के बहुत बड़े विरोधी हुआ करते थे। बड़ी लंबी कहानी लेकिन शॉर्ट में समझा रहा हूं। एक दिन उन्होंने एक किताब देखी, उस किताब पर लिखा था लाइफ विद और विदाउट क्राइस्ट, जीवन यीशु के साथ और यीशु के बगैर, और नीचे लिखा साधु सुंदर सिंह। धर्म प्रकाश जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एक सरदार सिख व्यक्ति ये क्या लिख रहा है, लाइफ विद और विदाउट क्राइस्ट। उन्होंने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया,
तो उन्होंने देखा कि उनकी कई बातें जो हैं वो उनसे मैच कर रही हैं, क्योंकि वो भी प्रभु के विरोधी थे। जिस साधु सुंदर सिंह की हम बात कर रहे हैं, एक समय में जब वो जवान थे वो प्रभु के विरोधी थे, वो मसीह लोगों को तमाचा मारते थे, बाइबलें फाड़ देते थे, बड़ी लंबी कहानी है, प्रभु के विरोधी थे वो, ढूंढ रहे थे, उनके अंदर एक गुस्सा था, ईसाई लोगों से वो नफरत करते थे, जो ईसाई बच्चे थे स्कूल के अंदर वो उनको मार दिया करते थे, कई बार कंप्लेन आती थी उनके माता पिता के पास कि आपका लड़का ये मार रहा है बच्चों को, उन्हें गुस्सा आता था। तो प्रकाश जी ने देखा कि मुझे भी गुस्सा आता है इस नाम से। कहानी आगे बढ़ी, उस किताब को पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, पूरी रात उस किताब को पढ़ते रहे, और प्रभु यीशु मसीह आकर खड़े हो गए। सच्ची कहानी, सच्ची टेस्टिमनी आपको दे रहा हूं। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया उस किताब को पढ़कर, तब तक उन्होंने बाइबिल नहीं पढ़ी थी, उनको बाइबिल का कोई ज्ञान नहीं था प्रकाश जी को, लेकिन उस पुस्तक के द्वारा जीवन यीशु के साथ, यीशु के बगैर, विद और विदाउट क्राइस्ट, यीशु मसीह प्रकट हो गए। और दूसरे दिन पंडित धर्म प्रकाश जी इंदिरा गांधी जी के पास गए और अपना त्याग पत्र दे दिया, राज्यसभा सांसद रेजिग्नेशन। इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे, मैं तो चाहती थी कि आप बहुत बड़े मिनिस्टर बने, आप बहुत आगे चले, मुझे तो राजनीति में आपकी आवश्यकता थी, अब आप क्या करोगे? उन्होंने कहा, आई विल ट्रैवल इन द इंडिया एंड टॉक अबाउट जीसस, मैं भारत में यात्रा ही करूंगा और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आदरणीय धर्म प्रकाश जी के साथ 20 साल चला। ये बड़ी सुंदर यात्रा है जो साधु सुंदर सिंह जी से निकली, भक्त सिंह छावड़ा जी तक पहुंची, धर्म प्रकाश जी तक पहुंची, और उसका कुछ अंश तक मैंने भी पाया, और मैं अपने आप को धन्य और आशीषित मानता हूं। समय ज्यादा ना हो जाए, मन में बहुत सारी बातें, लेकिन समय का मैं आदर करूंगा। मेरी एक ही प्रार्थना है कि परमेश्वर के श्रेष्ठ दास जिन्होंने बहुत कठिन समय में सेवा की, आज हमारे पास गाड़ियां हैं, मोबाइल है, जहाज है, ओहो बड़े बड़े घर हैं, जनरेटर है, सब सब चीज हमारे पास, और तब भी हम सुसमाचार की सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे। और उनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, और उन्होंने सुसमाचार की सेवा की। आज हमारे देश की, भारत देश की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो अच्छे सुसमाचार प्रचारकों की है, जो बड़े बोझ के साथ प्रभु की सेवा कर सकें। लूका 15 में 3 बातें लिखी है, लॉस्ट कॉइन, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ वो बेटा, और लॉस्ट शीप, खोई हुई भेड़। 3 बातें लूका 15 में, तीनों एक साथ दिए गए, तीनों अध्याय एक साथ दिए गए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कलीसिया के रूप में आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपना कुछ कीमती खोया है, कुछ बहुत कीमती जिससे आप प्रेम करते हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पद हो सकता है, कोई प्रतिष्ठा हो सकती है, कोई सम्मान हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए प्रिय थी लेकिन आपने उसे खो दिया, उसे छीन लिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया? अगर हाँ तो आपको याद होगी आपको कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि आपकी प्रिय चीज आपसे छीन ली गई। हो सकता है आपके माता पिता हो जो बुजुर्ग चले गए संसार से, या आप किसी बड़े पद पर काम करते हो, रिटायर हो गए, अब आप घर में बैठे हो, समथिंग यू लॉस्ट। अगर आपने कुछ खोया है और आपके अंदर वो दर्द है, तो आप परमेश्वर के दर्द को समझ सकेंगे जो खोई हुई भेड़ का वर्णन में कर रहा है, खोए हुए सिक्के का वर्णन कर रहा है। आपके अंदर वो दर्द होगा, अगर आपने कुछ खोया है तो आप जानेंगे कि प्रभु क्यों रो रहा है, उसे क्यों दुख है, उसे क्यों तकलीफ है, उस परमेश्वर को क्यों तकलीफ है जब सारा संसार खो चुका है, द वर्ल्ड इज लॉस्ट, और वो परमेश्वर खड़ा है, और वो परमेश्वर खड़ा है, ही वांट्स टू सेव द वर्ल्ड, वो संसार को बचाना चाहता है। और इसलिए उसने आपको एक निमंत्रण दिया है, कम एंड हेल्प द किंगडम, आइए उसके साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य में काम कीजिए, उसे आपकी जरूरत है। यू नो थियोलॉजिकली हम ऐसा कहते हैं परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज अ सोवरेन गॉड, महान परमेश्वर है, परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत है। हम इस सिद्धांत को भी समझते हैं कि गॉड डज नॉट नीड एनीवन, वो तो इतना प्रतापी परमेश्वर है कि उसके कहने से सूर्य प्रकट हो गया,
उसके कहने से चंद्रमा सितारे पूरा विश्व संसार जो है वो आकार में आ गया, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो प्रतापी परमेश्वर है। लेकिन अगर इसे आप आत्मा में समझेंगे तो उसे आपकी जरूरत है। बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे आप, आत्मा से समझेंगे। तो एक पिता को आवश्यकता है उसके बेटे और बेटियों की, जो उसके राज्य को आगे बढ़ाए, एक बुद्धिमान व्यक्ति। और मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत की पवित्र भूमि से, इतनी बड़ी भूमि से भारत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम बाइबिल में लिखा एस्तर की पुस्तक में, हिंदुस्तान। परमेश्वर का हृदय है ये बाइबिल, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, ये परमेश्वर का हृदय है। दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड, आप समझ रहे हैं। और इस हृदय के अंदर उसने हिंदुस्तान को छिपाया हुआ है। एस्तर की पुस्तक में पहली लाइन में आ जाता है, राजा शेष के दिनों में जिसका राज्य 127 प्रांतों में था, कूश देश यानी अफ्रीका से लेकर और हिंदुस्तान तक, परमेश्वर के हृदय में। और केवल इतना ही नहीं, सुन लीजिए सभी लोग, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, कोई 5000 शिष्य नहीं, केवल 12 शिष्य, टॉप 12। और उसमें से उसने एक को थोमा को भारत में भेज दिया। हालेलुया, क्या ये बिना परमेश्वर की इच्छा के हो सकता था? भारत के प्रति कहीं ना कहीं परमेश्वर के हृदय में, उसके दिल के अंदर एक बर्डन, एक बोझ है भारत के लिए। और उसने समय समय पर इस देश को अपने बेटे और बेटियों के द्वारा ब्लस किया। पंडिता रामाबाई परमेश्वर की श्रेष्ठ सेविका, जो भी भारतीय मसीह समाज की हमारी आदर्श है, मधुसूदन दास, नीलकंठ शास्त्री, नारायण बमन तिलक, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, आचार्य जयप्रकाश, इस बड़ी भीड़ है जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा जिन्होंने की अपने अपने समय में। लेकिन आज एक और साधु सुंदर सिंह जी की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी टफ है, नम्र और विश्वास योग्यता। अगर आप नम्र हो जाएं और विश्वास योग्य हो जाएं सब बातों में, मनुष्यों के साथ विश्वास योग, धन में विश्वास योग, अपनी पद प्रतिष्ठाएं जो प्रभु ने आपको दी है उसमें विश्वास योग हो जाए, परमेश्वर आपको साधु सुंदर सिंह जी की तरह इस्तेमाल करेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, हो सकता है कि अगला जन्मदिन आप ही का मौका हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी आप ही का जन्मदिन मना रही हो कि भैया एक विश्वास योग्य दास था, आप कितने सामर्थ्य थे, आपके पास कितनी गाड़ियां थी, कितने बड़े घर थे, कितने बड़ी आपके पास बैंक बैलेंस था, कितने बॉडीगार्ड थे, ये नहीं चलेगा। कितने लोग आपको सर्व कर रहे हैं, आपके लिए खाना लगा रहे हैं, आपके आगे आगे दौड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। एक नम्रता के जीवन परमेश्वर के दास उस समय आज से 100 साल पहले कल्पना कीजिए, सड़कें, ठंडी बारिश, धूप छाऊं, लेकिन चलते रहे नम्रता के साथ, घर घर गए, सुसमाचार सुनाया। आज मैं सुबह की सभा में बता रहा था, एक व्यक्ति पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, साधु सुंदर सिंह जी ने देखा कि भाई तुम पेड़ पर क्या कर रहे हो, कह रहे मैं हठ योग कर रहा हूं। हठ योग समझते, वो योग कर रहा था हठ योग, उल्टा पेड़ पर लटक के, कि कब तक करोगे, कि जब तक मुझे परमेश्वर का दर्शन नहीं हो जाए। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, तुम नीचे उतरो, मैं अभी तुमको परमेश्वर का दर्शन कराता हूं। वो आदमी झटपट उतरा और उसने उसको प्रभु के बारे में बताया, विश्वास योग्यता के साथ, कोई धन नहीं, कोई बल नहीं, कोई संसारिक योग्यता नहीं, लेकिन आत्माओं को जीतने का बोझ। यह आज हमारे पास बहुत सारा धन बल होने के बाद में भी हम आत्माओं को जीतने का बोझ खो चुके हैं। भारत की कलीसियाओं को फिर से, भारत के सेवकों को, आराधकों को फिर से आत्माओं को जीतने का बोझ अपने अंदर पैदा करना होगा, तब ये जन्मदिन सार्थक होगा। हम जन्मदिन इसलिए नहीं मना रहे कि हमें कोई फंक्शन करना है, कोई कार्यक्रम करना है, चलो एक मीटिंग कर लेते हैं। मैं तो 3 महीने से यात्रा पर निकला हुआ हूं, 3 महीने से घर ही नहीं पहुंचा हुआ, 3 महीने हो गए अभी यात्रा करते करते, 4 दिन से अभी मैं सोया नहीं हुई, मुझे जेट लैग चल रहा है, यूएस का टाइम चल रहा है, इस सोने और जागने का समय बड़ा डिस्टर्ब है। लेकिन आत्माओं को जीतने का बोझ, लोगों को प्रभु के निकट लाने का जो बोझ है, वो मुझे सोने नहीं देता, वो मुझे थकने नहीं देता, वो मुझे गिरने नहीं देता। और ये बोझ आपको अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं दिया जा सकता। अगर आप अंडे को बाहर से तोड़ दें तो उसके अंदर जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा।
लेकिन जब वो जीवन अंदर जो है वो छोच मारेगा और तोड़कर बाहर आएगा तो वो जीवित रहेगा। आपका हथौड़ा नहीं चलेगा, उसकी छोच चलेगी। आप हथौड़ा मारोगे वो मर जाएगा। अंदर से जो बोझ आ जाएगा आपको, आप वो बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे जिसके बारे में दाऊद ने लिखा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु को चाहिए। हालेलुया। अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। भारत को साधु सुंदर सिंह जैसे नम्र और विश्वास योग्य दास की बहुत आवश्यकता है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, ये बनाने से ही बनेगा, करने से ही होगा। हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, अगली पीढ़ी को इसके बारे में समझाना पड़ेगा। जब हम छोटे बच्चे थे, बिल्कुल 10 साल 12 साल, यू नो 8 साल 9 साल, तो बाइबल के साथ साथ जो पुस्तकें बांटी जाती थी वो साधु सुंदर सिंह की किताबें बांटी जाती थी। आज से 35 साल पहले 30 साल पहले इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती थी किताबों की, ऐसी सिंपल क्वालिटी होती थी, लेकिन घर घर बंटती थी और लोग उन्हें पढ़ते थे। और बहुत लोगों ने, जैसा प्रभु के दास ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी आत्माओं को ना जीता हो साधु सुंदर सिंह ने, जब वो जीवित हो, लेकिन जब वो मर गए, इस संसार में नहीं रहे, प्रभु के पास चले गए, उन्होंने अधिक आत्माओं को जीता, उनकी गवाहियां दूर तक गई। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं ऐसे नम्र और विश्वास योग्य पात्र के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर अभी भी भारत के अंदर ये काम कर रहे हैं। खोजबीन चालू है, एक विश्वास योग्य परमेश्वर ढूंढ रहा है। अगर वो आप हैं तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जरूर प्रकट करेगा। और अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। 2017 में प्रभु ने मुझे बोझ दिया, बर्डन 2017 में, कि हमें गुरुकुल बनाना है, एक बड़ा ध्यान केंद्र बनाना है साधु सुंदर सिंह जी के लिए, बहुत बड़ा। तो मैंने बहुत प्रार्थना के साथ राजस्थान में उसके लिए एक जमीन खरीदी। आज भी वो जमीन है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये राजस्थान में नहीं होगा, ये पंजाब में ही होगा। तो मैंने अपने दर्शन को, पास्टर गुप्ता जी को, पास्टर सलीम खान जी को मैंने बांटा, सिस्टर जी को बांटा। तो मैं पिछले 3 महीने में कई बार पंजाब आ चुका हूं। पंजाब से मेरा पुराना रिश्ता है, 20 साल हो गए आते जाते। लगभग सभी कलीसियाओं में, सभी शहरों में मुझे निमंत्रण मिलता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब समय आ गया कुछ ठोस काम करने का, ठोस बड़ा काम, मजबूत काम। तो हमने इन 3 महीनों में बहुत सारी जमीनें देखी। डॉक्टर साहब को भी पता है, सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल लूथर जी है, इनके साथ भी मैंने बात की। हम लोग जमीन के बारे में सोचने लगे, प्रार्थना करने लगे और 2-3 जमीनें हमने लगभग फाइनल भी की। अगर प्रभु ने चाहा तो उन 2-3ों में से एक फाइनल हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, और हम वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज कैंपस, ध्यान केंद्र साधु सुंदर सिंह जी के नाम पर डेडिकेट करें। कितने लोग चाहते हैं, ये बड़ा काम है। आप पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस ध्यान केंद्र के अंदर पढ़ने के लिए आएंगे। मसीह शिक्षा दी जाएगी, मसीह तालीम दी जाएगी। हमें विश्वास योग्य लोगों की आवश्यकता है जो बड़ी नम्रता के साथ भारत की अगुवाई करें, घमंड के साथ नहीं, चतुराई के साथ नहीं, संसारिक बुद्धि के साथ नहीं, नम्रता और धीरज के साथ, प्रेम के साथ, आत्माओं का बोझ रखते हुए अगुवाई करें। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वह लिखा कि प्रभु ने जब कोई पेड़ बनाया तो उसके अंदर बीज लगाया और उसकी जाति के अनुसार, उसकी जाति के अनुसार 1 अध्याय 11 पद में लिखा है, जो जो पेड़ प्रभु ने बनाया, जो जो फल बनाया, उसमें उसकी जाति के अनुसार बीज लगा दिया। क्योंकि प्रभु बुद्धिमान है, उनको पता था कि आने वाली पीढ़ी को भी सेब संतरे चाहिए। तो आप संतरा खोले देखिए, उसके अंदर बीज निकलेगा और उस बीज को आप मिट्टी में बोए, संतरे का ही पेड़ निकलेगा। आम का बीज ले आप मिट्टी में बोए, आम का ही निकलेगा, वो नीम का नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका स्वभाव उसकी जाति के अनुसार है। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जो गुरुकुल साधु सुंदर सिंह ध्यान केंद्र जो हम बना रहे हैं, ये उस जाति, आत्मिक जाति के रूप में बात कर रहा हूं,
आत्मिक जाति की एक बड़ी सेना तैयार होगी जो साधु सुंदर सिंह के समान विश्वास शोध नम्र और सामर्थ्य सुसमाचार प्रचारक। हमने ये जमीन अभी दो तीन जगह देखी, लेकिन एक जो जमीन है वो मोगा में हमने फाइनल किया। लगभग इट्स नाइस लैंड, बड़ी जमीन है। लेकिन अभी हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनमें से कौन सी जमीन हमारे लिए फाइनल करेंगे। अब पूरे विश्व से, पूरे भारत से शिष्य वहां पर आएंगे, रहेंगे, सीखेंगे, प्रभु की वाणी को सीखेंगे। और साधु सुंदर सिंह जी के साथ साथ पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, नारायण बामन तिलक, महारानी अमृता कौर जैसे जो प्रभु के महान सेवक हुए, उनकी जीवनी को, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। उसी जाति के अनुसार जब हम बीज बोएंगे, उस जाति का बीज बोएंगे तो वैसा ही फल निकलेगा। आमीन। विश्वास शुद्ध फल बोएंगे तो विश्वास शुद्ध निकलेगा। परंतु उन शिक्षाओं का, देखिए, कोई यीशु मसीह को नहीं समझ सकता जब तक वो यीशु मसीह के बारे में सुने नहीं या पढ़े नहीं। कैसे बनेगा? भारतीय दर्शन के अंदर एक बात कही जाती है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा तुम अन्न खाओगे वैसा तुम्हारा मन और शरीर होता जाएगा। तो जो आप बोओगे, घमंड, लालच, स्वार्थ बोओगे, चलाकियां बोओगे, तो चलाक जैसे पास्टर लीडर निकलेंगे जिनसे होगा कुछ नहीं। परंतु जो नम्र होगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, आत्माओं का बोझ रखेगा, वो निश्चित सामर्थ पाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि अगला जन्मदिन आपका ही बनेगा। हालेलुया। इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रेशन, ये कोई संसारिक सेलिब्रेशन नहीं है। ये इसलिए जरूरी है कि हम अगली पीढ़ी से बात करें कि आगे हमें क्या करना है। तो मैं पूरा विश्वास करता हूं कि प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपको ब्लेस करे और अपनी जड़ों को, जो हमारी जड़ें हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो आत्मिक पूर्वज हैं, उनके बारे में खुलकर बातचीत हो और कलीसियाओं के अंदर लोग इस भेद को जाने। मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल पास्टर ब्रदर एन लूथर दे रहे थे मुझे। आइए ब्रदर, अपने कुछ क्रिश्चियन मसीह भाइयों को वो साधु सुंदर सिंह के बारे में बता रहे थे या पूछ रहे थे, तो कैसा अनुभव था, थोड़ा आप अपने विचार रखें, क्या हुआ जब आपने उनको कहा वो नाम ही नहीं जानते? आप सबको जय मसीह। मेरी सर्जन हूँ, मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, वो क्रिश्चियन है, जन्म से क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ। और जैसे साधु सुंदर सिंह के जन्म दिवस की बातें हो रही हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि जन्मदिन मनाया जा रहा है, जगह जगह प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं, उनके जीवन के लिए ऐसी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो क्या आप साधु सुंदर सिंह को जल्दी को जानते हो? तो मेरी शक्ल देखने लगे, ऊपर नीचे देख रहे थे कौन से साधु आए। तो मैंने दोबारा पूछा, मैं अज्यूम कर रहा था कि उनको मालूम है, पर मैंने दोबारा पूछा साधु सुंदर सिंह से, क्या उनके बारे में मालूम है? वो बोले नहीं। काफ़ी क्रिश्चियन लोग हैं, मेरी ही टीम में ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे पूछा साधु सुंदर सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मालूम, उनको नाम ही नहीं सुना। तो ये अभी ये पिछले हफ्ते की बात, तीन चार दिन पहले की बात। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ब्रदर ने इनिशिएटिव लिया और उनको बताया। इस पर बात करने की जरूरत है, अगली पीढ़ी को इसके बारे में खुलकर बताने की जरूरत है कि हमें किस तरह के सेवक आगे आने वाले समय में चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय को ना लेते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सब परमेश्वर की कलीसियाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी थोड़ा समय आप रुकेंगे, किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की, किसी को जल्दी तो नहीं। मैं आपके लिए कहाँ से आया हूँ आपके मालूम? लोग मुझे घड़ी दिखाते कहते पास्टर साहब हमको जाना है। अरे भाई, मुझे भी राजस्थान जाना है, मैं आपसे ज़्यादा थका हुआ हूँ, तीन दिन से सोया नहीं हूँ, जेट लैग चल रहा है, खाना ठीक से नहीं खाया, दिल्ली उतर के सीधे एयरपोर्ट से उतर के 7 घंटे हम यहाँ आए, जाम मिला खूब, और यहाँ आकर लोगों ने हमें जाना है, कहाँ जाओगे? अभी आप बैठो, अभी हमारे पास और परमेश्वर के श्रेष्ठ आराधक लोग बैठे हैं। हालेलुया। अभी थोड़ी देर में बैठेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी पासवानों का और विशेष रूप से आराधकों का। मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत कम समय मिला, लेकिन ये योजना किसी एक मुख्य आराधक और प्रचारक के लिए नहीं थी, एक सेलिब्रेशन है। दिस इज अ सेलिब्रेशन दैट वी आर कमिंग टुगेदर।
तो कई ऐसे मौके हमें मिलेंगे जहां हमको उपस्थित रहना है, चाहे भले हमको मौका भी ना मिले लेकिन हमको उपस्थित होना है, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है, हम मसीह परिवार का हिस्सा है। वे नॉट हियर टू परफॉर्म, नहीं मौका मिला कोई बात नहीं, बहुत परमेश्वर के श्रेष्ठ दास बैठे हैं यहां पर, लेकिन परमेश्वर को समय समय पर मौका देगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय मसीह समाज की टीम के लिए, पास्टर डैनियल जी के लिए, उनकी प्रिय पत्नी के लिए, उनकी पूरी चर्च के लिए, उन्होंने अपनी सेवाएं दी, यहां पर लगे रहे, सारी चीजों का इंतजाम करते रहे। देखो अभी सभा खत्म नहीं हुई, अभी तो सभा शुरू हुई, बेचारे लगे रहे धूप में बारिश में, पास्टर जी मैं वहां जा रहा हूँ, वो एसोसिएशन को उसको, कहाँ कहाँ गए आप, जलंधर गए, कपूरथला गए, कहाँ कहाँ गए, पूरा पंजाब घूम लिया आपने, कितनी मेहनत की, एक एक व्यक्ति को निमंत्रण दिया। कई बार मैं सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, लोग इशारों इशारों में समझ जाए कि हम चाहते क्या है, लोग चाहते क्या है, लेकिन आपने परिश्रम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लोग तो आंखों में इशारा कर देते हैं, मीटिंग है भाई आ जाना, हमारा आदमी समझ जाता है, ठीक है एक व्हाट्सएप डाल दिया हो गया, लेकिन पास्टर साहब कहते हैं कि मुझे कई बार जाकर उनको मनाना पड़ता है, उनको स्वागत करना पड़ता है, आपके फूल आए कि नहीं आए, फूल मुझे कह रहे सबको मुझे फूल दे, मेरे क्या करोगे फूल देकर, कह रहे नहीं सबको देना पड़ेगा जरूरी है, मुझे कह रहे आप ले आना, मैंने कहा मैं तो नहीं लाता फूल, हम तो वचन लेकर आ रहे हैं, चलते वक्त बांट देना सबको, सब अपने ही लोग हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा, फूल नहीं मिला कोई बात नहीं, प्रभु का वचन तो मिला, गवाही तो मिली। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं।